Hello everyone, welcome you all. Today we will see the shell coiling in a snail. Okay, so this is our topic of today. And as earlier we have talked about the maternal inheritance. ठीक है, maternal inheritance हमने पहले पढ़ लिया है, जिसमें आपने क्या देखा कि जो suppose this is the female egg and this is the cytoplasm and this is the nucleus. So we have seen that the genes which are present in the cytoplasm, they are going to affect the phenotype. ठीक है, जो जीन cytoplasm के अंदर है वो phenotype को affect कर रही है offspring के. Okay, they are going to affect the phenotype of the offspring. But in the maternal fact, we will see that the genes which are present in the nucleus, the genes are present in the nucleus, they forms the protein and that protein will enter into the cytoplasm. ठीक है, so let's take an example, the lamina paragra. Okay, we will see the coiling in the lamina paragra. So this lamina paragra means it's a snail. It will show two types of coiling. One is the left-handed. Okay, this is the left-handed coiling. This is the mouth opening, left-hand side, and it is known as sinistral. Whereas the right-handed coiling and the opening of the mouth is to the right-hand side. This is the dextral type. Dextral type is the dominant type. Okay, dextral is right-handed and sinistral is left-handed. Okay, तो अब जो dextral है वो किस कंडीशन में मिलता है और sinistral कब मिलता है, इट डिपेंड्स ऑन द एग ऑफ द मदर. उस एग में वो प्रोटीन बन रहा है या नहीं बन रहा है. ठीक है, सपोज दिस इज द एग ऑफ द मदर, दिस इज द न्यूक्लियस. एज आई सेड इन द मैटरनल फैक्ट द जीन्स आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस. ठीक है, द जीन्स विच आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, दे आर गोइंग टू मेक द प्रोटीन. ओके, ऑल दीज थिंग्स आर हैपनिंग बिफोर फर्टिलाइजेशन. ओके, दीज आर हैपनिंग प्रायर टू फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजेशन से पहले ही हो रहा है, मीन्स जो ट्रेट है, जो फिनोटाइप है, वो फर्टिलाइजेशन से पहले ही डिसाइड हो गया. ओके, तो जो एग के अंदर, जो एग में जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्या है, जीन्स हैं. ये जीन्स प्रोटीन बनाते हैं, ये प्रोटीन विल एंटर द साइटोप्लाज्म. ठीक है, अब ये प्रोटीन साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है या नहीं है, दैट डिपेंड, दैट विल टेल द मीन्स दैट विल टेल द फिनोटाइप. That will tell the phenotype of offspring, right? क्या बताएगा offspring का phenotype? Genotype of the mother, okay? अब genotype कैसा है? Capital D, capital D और capital D small D. Whether situation is homozygous or heterozygous. If this dominant D is present, if this dominant D is present, okay? In this न्यूक्लियस, देन द प्रोटीन्स आर फॉर्म्ड. प्रोटीन्स बन जाती हैं और वो प्रोटीन कहाँ जाती हैं, साइटोप्लाज्म. ठीक है, अब जो प्रोजेनी बनेंगी इस टाइप के एग की, उनका जो कॉइलिंग होगी वो होगी डेक्स्ट्रल टाइप की. ठीक है, अगेन आई एम रिपीटिंग, अगर डोमिनेंट डी प्रेजेंट है एग में तो प्रोटीन बनेंगी और प्रोटीन एंटर कर जाएंगे साइटोप्लाज्म में. ठीक है, इस टाइप की जो प्रोजेनी बने, इस एग से जो प्रोजेनी बनेगी वो बनेगी डेक्स्ट्रल टाइप की, यानी कि राइट हैंडेड कॉइलिंग वाली. अगर डोमिनेंट डी प्रेजेंट नहीं है, रेसेसिव कंडीशन है, इफ दिस कंडीशन इज देयर, देन प्रोटीन इज नॉट फॉर्म, प्रोटीन नहीं बनेगी. ठीक है, प्रोटीन नहीं बनेगी तो साइटोप्लाज्म में प्रोटीन नहीं होगी. इस केस में जो प्रोजेनी बनेगी दैट आर ऑफ सिनिस्टर टाइप. ठीक है, so it's totally depend on the mother. Okay, so this is the maternal effect, right guys? Maternal inheritance and maternal effect, there is a difference between the two. Okay, here the genes are present in the nucleus, whereas in the maternal inheritance the genes are present in the cytoplasm. Hope it is clear. Ab aapko ek cheez yaad rakhni hai ki mother ka jo genotype hai wo kya hai. ठीक है, मदर का जो जीनोटाइप है वही डिसाइड करेगा फीनोटाइप ऑफ द नेक्स्ट जनरेशन.
ओके अगेन आई एम रिपीटिंग, मदर का जीनोटाइप जो है नेक्स्ट जनरेशन के फिनोटाइप को डिसाइड करता है, ठीक है। चलिए और एग्जाम्पल लेते हैं। ओके वन मोर थिंग विच आई लेफ्ट ओवर हियर इज दैट मैटरनल फैक्ट और मैटरनल इनहेरिटेंस बोथ विल नॉट फॉलो द रेसिप्रोकल क्रॉस। ओके रेसिप्रोकल क्रॉस ये फॉलो नहीं करते हैं, क्यों नहीं करते हैं, पहले तो हम एग्जाम्पल लेते हैं। टॉल और ड्वार्फ का जो हमने टेस्ट क्रॉसिंग की थी पी प्लांट में, ओके टॉल का सपोज हमने टॉल प्लांट पॉलन लिया था और ड्वार्फ का लिया था फीमेल पार्ट, अब इनकी क्रॉसिंग कराई थी और अब इनको हमने अपोजिट कर दिया। सपोज टॉल प्लांट का हमने फीमेल पार्ट लिया और ड्वार्फ प्लांट का हमने लिया पॉलन, इनकी क्रॉसिंग कराई, हमें बोथ द सिचुएशन में वी गेट द सेम रिजल्ट, मीन्स वी गेट ऑल टॉल प्लांट्स, ठीक है, ऑल टॉल प्लांट्स मिले। फिर नेक्स्ट एफ टू जनरेशन में वी गॉट द 3:1 रेशियो, ठीक है। हियर वी विल सी दैट ये रेसिप्रोकल क्रॉस जो हमें मिला था मेंडल के केस में, मेंडल ने जो टेस्ट किया था वो हमें यहाँ पे नहीं मिलेगा, ठीक है, इट विल नॉट फॉलो द मेंडेलियन इनहेरिटेंस, राइट। जो 3:1 रेशियो जो हमें मिलेगा इस केस में वी विल गेट दैट इन द F3 जनरेशन में जाके मिलता है। चलिए अब हम देखते हैं कैसे। सो फर्स्ट वी विल टेक द केस वेयर द फीमेल इज होमोजाइगस डोमिनेंट एंड द मेल इज होमोजाइगस रिसेसिव। आपको क्या ध्यान देना है कि जो फीमेल है उसका जीनोटाइप क्या है। अभी तो ये फीमेल कैसी है, डेक्स्ट्रल टाइप की, डोमिनेंट डी है तो डेक्स्ट्रल है। इधर मेल कैसा होगा, मेल होगा सिनिस्ट्रल। नाउ व्हाट वी विल गेट इन F1 जनरेशन, पहले F1 जनरेशन में हमको प्रोजेनी जो मिल रही है F1 जनरेशन में वो कैसी मिल रही है, ऑल डेक्स्ट्रल, क्योंकि जो फीमेल है वो डेक्स्ट्रल टाइप की है, मतलब उसके पास कैपिटल डी जीन्स है। जीनोटाइप कैसा उसका, जीनोटाइप अगर ऐसा हो, आई ऑलरेडी टोल्ड यू कैपिटल डी हो या कैपिटल डी स्मॉल डी हो, दोनों केस में ही डेक्स्ट्रल टाइप के मिलते हैं, ठीक है। तो सी द जीनोटाइप ऑफ द मदर, अगेन आई एम सेइंग दिस थिंग, सी द जीनोटाइप ऑफ द मदर। नाउ इफ यू डू द सेल्फिंग ऑफ दिस कैपिटल डी स्मॉल डी इंटू कैपिटल डी स्मॉल डी, ये हमने सेल्फिंग किया, नेक्स्ट जनरेशन में हमें कैसे मिलेंगे, कोई भी फीमेल बना लो, इसे फीमेल कर दो, इसे मेल कर दो, ठीक है, कैपिटल डी कैपिटल डी, कैपिटल डी स्मॉल डी, कैपिटल डी स्मॉल डी, स्मॉल डी स्मॉल डी। ओके अब यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा मैं क्या बताना चाह रही हूँ, ठीक है। अब देखिए अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डोमिनेंस, ये जहां जो कैपिटल डी है वो तो डेक्स्ट्रल होनी चाहिए, लेकिन स्मॉल डी वाला कैसा होना चाहिए, सिनिस्ट्रल होना चाहिए, बट ये केस यहाँ पे चेंज हो जाता है, क्या मिलता है हमें, वी गेट ऑल द प्रोजेनीज डेक्स्ट्रल टाइप, डेक्स्ट्रल टाइप की प्रोजेनी मिलती है। व्हाई क्वेश्चन हियर इज व्हाई, बिकॉज द फीमेल का जो जीनोटाइप है दैट इज कैपिटल डी एंड स्मॉल डी, ओके जो क्या बनाएगा, डेक्स्ट्रल टाइप की कॉइलिंग बनाएगा, ओके होप इट इज क्लियर। सो F2 जनरेशन में हमें मिल गए ऑल डेक्स्ट्रल टाइप। अब अगर हमें F3 जनरेशन के लिए करना है तो वी विल डू द सेल्फिंग ऑफ ऑल दीज, ठीक है, इसकी सेल्फिंग करोगे तो हमें ऑब्वियसली कैपिटल डी टाइप के ही मिलेंगे, आप इसकी करेंगे तो यही सिचुएशन मिल जाएगी, कैपिटल डी कैपिटल डी स्मॉल डी, कैपिटल डी स्मॉल डी, स्मॉल डी स्मॉल डी, यानी कि इसकी जो सेल्फिंग करेंगे तो हमें फिर से डेक्स्ट्रल ही मिलेंगे, इधर भी ऑल डेक्स्ट्रल मिल रहे हैं, इधर भी डेक्स्ट्रल मिलेगा, ये भी डेक्स्ट्रल ही देगा, अब ये वाला जो है वो हमें सिनिस्ट्रल देगा, क्योंकि यहाँ पे जो जीनोटाइप है वो स्मॉल डी है, ठीक है, मैं सेल्फिंग एक बार करा के दिखाते हैं, ऐसे स्मॉल डी का स्मॉल डी से सेल्फिंग कराएंगे ना, तो जो फीमेल है ये, तो फीमेल क्या है, कैसी है, इसका जीनोटाइप कैसा है तो ये, अभी तो ये डेक्स्ट्रल टाइप के, लेकिन इसका फिनोटाइप नहीं देखना हमें, क्या देखना, जीनोटाइप, इसका जीनोटाइप कैसा है, स्मॉल डी टाइप का, तो जो प्रोजेनी मिलेगी F3 जनरेशन में वो इसकी कैसी होगी, सिनिस्ट्रल होगी, ओके तो हमें कैसे मिले, तीन तो डेक्स्ट्रल टाइप के मिले, एक सिनिस्ट्रल टाइप का। सो एज आई सेड द 3:1 जो रेशियो हमें पहले F2 जनरेशन में मिलता था पी प्लांट का जब क्रॉस कराया था, अब हमें वो कहाँ जाके मिल रहा है, F3 जनरेशन में मिल रहा है, ओके ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि ये रेसिप्रोकल क्रॉस फॉलो नहीं करते, ठीक है,
लेट अस डू द क्रॉस। अब जो कैपिटल डी है वो मेल है, और कैपिटल डी स्मॉल डी है वो है फीमेल। ओके, अब इनके बीच में जब हम क्रॉस कराएंगे, फीमेल का जीनोटाइप पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। हमें F1 जनरेशन में क्या मिलेगा, फीमेल का जीनोटाइप क्या है, स्मॉल डी स्मॉल डी स्मॉल डी का मतलब हो गया कैसे मिलेंगे, ऑल सिमेस्ट्रल, ठीक है। अगर रेसिप्रोकल क्रॉस ये फॉलो कर रहे होते तो हमें यहाँ पे डेक्स्ट्रल मिलने चाहिए थे, ठीक है, लेकिन हमें कैसे मिले, सिमेस्ट्रल मिले हैं। ओके गाइज, ठीक है, अब इसके हम सेल्फिंग कराते हैं। दिस इज फीमेल, दिस इज मेल, व्हाट वी विल गेट, कैपिटल डी कैपिटल डी कैपिटल डी स्मॉल डी कैपिटल डी स्मॉल डी एंड स्मॉल डी स्मॉल डी, राइट, दिस वी विल गेट। अब जो जीनोटाइप है फीमेल का वो डिसाइड करेगा ना, जीनोटाइप क्या है, कैपिटल डी स्मॉल डी, तो इसका मतलब जितनी भी प्रोजेनी होंगी वो कैसी होंगी, ऑल डेक्स्ट्रल, जो सेम हमें इसमें मिला था F2 जनरेशन में, ठीक है, ऑल डेक्स्ट्रल डाई। अब नेक्स्ट जनरेशन के लिए, F3 जनरेशन के लिए फिर से हम इनकी सेल्फिंग कराएं। देखो इसकी सेल्फिंग कराओगे कैपिटल डी की, कैपिटल डी कैपिटल डी के साथ, तो आपको सारी प्रोजेनी कैपिटल डी मिलेगी, राइट, डेक्स्ट्रल टाइप के ही होंगे, है ना, ये फीमेल मान लो, ये मेल मान लो, ठीक है। अब इसका हम कराते हैं कैपिटल डी स्मॉल डी इंटू कैपिटल डी स्मॉल डी, ये फीमेल मान लीजिए, ये मेल मान लीजिए, तो फीमेल का क्या जीनोटाइप है, कैपिटल डी स्मॉल डी। ओके, फीमेल का जो जीनोटाइप है वही तो डिसाइड कर रहे हैं फीनोटाइप, तो यहाँ पे फीमेल फीनोटाइप कैसा होगा, डेक्स्ट्रल। ओके, ऐसे ही इसमें भी डेक्स्ट्रल। ओके, लेकिन इधर क्या होगा, जैसे मैंने यहाँ पे बताया था, सिनेस्ट्रल। ओके, सो F3 जनरेशन में वी गेट 3:1 रेशियो, 3 डेक्स्ट्रल मिलेंगे और 1 सिनेस्ट्रल मिलेंगे। होप इट इज क्लियर टू यू, सो यू कैन सी द डिफरेंस बिटवीन दैट द प्रोजेनी इन द F1 जनरेशन रेसिप्रोकल क्रॉस फॉलो नहीं कर रहा है। ओके, और जो F3 जो रेशियो था 3:1 हमें मेंडल के केस में F2 जनरेशन में मिलता था, वो हमें यहाँ पे कहाँ मिलेगा, F3 जनरेशन में। होप इट इज क्लियर गाइज, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।